गाइज वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखिए कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। सो ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी कि क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें उन्हें। The Empress, Four of Swords, Ace of Pentacles and Eight of Swords. Nine of Swords, the Emperor, Two of Pentacles and Justice. Bottom of the deck से Page of Pentacles. Okay, so आपके जो partner हैं उनके लेट नाइट थॉट्स क्या है? सबसे पहली चीज़ तो गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं फिज़िकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। एंड मुझे से दिखाई देता है कि वो आप वो ना सी यहाँ पर एम्प्रेस है और यहाँ पर एम्परर है, ओके। आपको एक मैरिज मटीरियल की तरह देखते हैं, आपके अंदर वो सारे गुण ये देखते हैं जो कि उनको अपने लाइफ पार्टनर के अंदर चाहिए। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन कहीं ना कहीं पहली चीज़ तो ये कि आपके साथ एक सोल कनेक्शन भी फील करते हैं, ठीक है। बहुत परफेक्ट मैच आप इनको लगते हो, एकदम परफेक्ट वाला मैच। मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है ना वो यही सोचते रहते हैं आपके लिए, अगर उनके लेट नाइट थॉट्स में देखूँ तो, कि आप पे वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि इनको अपनी लाइफ पार्टनर में चाहिए थी। आप समझदार हो, आप सुंदर हो, यू नो आपके अंदर वो सारे गुण हैं जो इनको पसंद है। मतलब आपकी हर एक चीज़ इनको पसंद है, आपकी आदतें इनको पसंद है, आपका बिहेवियर इनको पसंद है, आपका नेचर की सबकी हेल्प करनी है, तो वो सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है, देखो एक तो ये दूसरा थॉट जो मुझे दिखाई देता है वो ये कि अपनी या आपके साथ अपनी फैमिली भी बनाना चाहते हैं, मतलब ये बेबीज़ भी कहीं ना कहीं आप ही के साथ चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि कभी कभी ना आपके पर्सन जो हैं हो सकता है आपसे बात नहीं करते, कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पर वो या तो इन एंड आउट करने लगते हैं या आपसे बात नहीं करते या टाइम नहीं देते रिलेशनशिप में इतना। एक्चुअली इनको ना थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। एक्चुअली मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि एकदम से ना ये सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते या बहुत ज़्यादा यू नो
इनका ऐसा है कि हर हर काम करो लेकिन उसमें थोड़ा रेस्ट भी होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा वो भी होना चाहिए, ब्रेक भी होना चाहिए, वरना चीज़ें बोरिंग हो जाती हैं। सो ये जो है थोड़ा स्पेस ले लेते हैं बिना आपको बोले, बिना कुछ कहे, तो वो इन एंड आउट सिचुएशन भी बन जाती है और कहीं ना कहीं वो ऐसा लगने लगता है कि जैसे ये इग्नोर कर रहे हैं। बट यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपकी पर्सन ना रेस्ट लेते हैं, अगर अभी भी आपकी इनसे बात नहीं हो रही ना तो उन्होंने एक स्पेस लिया हुआ है, उनको थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है, उनको खुद के साथ टाइम चाहिए या फिर उनको किसी और चीज़ के लिए टाइम चाहिए, जैसे ही वहाँ से फ्री होते खुद ब खुद आपकी तरफ आ जाएंगे। ऑलराइट, और मुझे एक और चीज़ दिखाई देती है कि अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स करते हो ना, तो लाइक यू नो ये नहीं टाइम दे पा रहे, नहीं बात कर पा रहे और आप फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चंस करते हो, तो ये चीज़ इनको थोड़ा इरिटेट भी करती है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, बिकॉज़ इनका नेचर ही ऐसा है। ओके, और इनको ये एक्सपेक्टेशंस है कि आप हमेशा अंडरस्टैंड करोगे कि अगर वो बिज़ी भी है तो किसी रीज़न से हैं, अगर वो बात नहीं कर रहे हैं तो किसी रीज़न से नहीं कर रहे हैं, तो उनकी एक एक्सपेक्टेशन ये भी रहती है। ओके, तो सब मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन रखना चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। अगर आप दोनों का किसी वजह से सेपरेशन चल रहा है, कोई झगड़ा होकर के अगर आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, तो आप दोनों की एक नई शुरुआत मुझे दिखाई देती है रिलेशनशिप में, कि एक नई शुरुआत के बारे में भी आपके पर्सन सोच रहे हैं। अगर वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ वो स्पेस लिए हुए थे या उनको रेस्ट चाहिए था, तो मुझे दिखाई देता है कि वो फिर से ना आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, लाइक वो जो है आपके साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। पर हाल फिलहाल मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ ऐसी चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही है जिनमें वो बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं, ठीक है, मतलब उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी चल रही है, कुछ दिक्कतें ऐसी चल रही है जिसकी वजह से ना उनको खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, और वो थोड़े से परेशान, थोड़े से टेंशन में भी दिखाई देते हैं। बट कहीं ना कहीं वो जानते, इतने सेंसिबल तो वो हैं, इतने मैच्योर तो वो हैं कि भाई सब चीज़ को अपना टाइम चाहिए, तो इस रिलेशनशिप को भी चाहिए, तो वो जानते हैं, तो वो आपके लिए टाइम निकालने के बारे में सोच रहे हैं और आपके साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो और आप बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हो, और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो या बहुत ज़्यादा स्टक हो, समझ में नहीं आ रहा है कि इस कनेक्शन में हो क्या रहा है, आप इस पर्सन को खोना नहीं चाहते, बिकॉज आपको भी उनके साथ वही सेम सोल लेवल का कनेक्शन फील होता है, तो आप उनको खोना नहीं चाहते हो, आप भी बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिखाई देते हो, आपकी रातों की नींदें उड़ी हुई है, मे बी आप बहुत लेट नाइट सोते हो और फिर सारा रूटीन गड़बड़ हो रखा है, एंजाइटी है, आप इनके लिए भी रोते हो, आपको इनकी याद भी बहुत ज़्यादा आती है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एक्चुअली इस पर्सन की पर्सनालिटी आपको बहुत अट्रैक्ट करती है और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप इनसे प्यार करते हो, ये ईगोस्टिक पर्सन है, ईगो अपना ये रखते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप इनसे प्यार करते हो, ये मुझे क्लियरली दिखाई देता है। और आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब मेरे साथ हो क्या रहा है, कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, मतलब ये पर्सन क्या करना चाह रहा है, कहीं मेरे अलावा कोई और तो उसकी लाइफ में नहीं आ गया, तो इस तरीके के थॉट से कहीं ना कहीं आप गुजर रहे हो, हाल फिलहाल आपके साथ कुछ ऐसा हो रखा है और यही चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, यही सारी चीज़ें आपको इनसिक्योर करती है, क्योंकि आपको समझ में आ नहीं रहा है कि आपके पर्सन का जो बिहेवियर हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, किस रीज़न से हो रहा है, एंड आप सबको ये दिखाते हो कि आप खुश हो, हैप्पी हो, लेकिन आप अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं हो, मन उदास है आपका बहुत ज़्यादा, आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो बट हो नहीं पा रही है, एंड आप अपने साथ जस्टिस चाहते हो, मतलब आपका ये है कि आपने ना हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचा है, अच्छा किया है, और इस पर्सन के साथ भी आपने बहुत अच्छा बिहेव किया है, सो आपका ये कि लाइक आपको ना ये चीज़ बहुत तकलीफ़ देगी अगर ये पर्सन कुछ भी गलत करता है, लाइक ये चीट करता है, छोड़ के जाता है, अभी क्लियरिटी नहीं है लेकिन आपको यू नो ऐसे नेगेटिव थाट्स आ रहे हैं, सो आपके आपको ये है कि मेरे साथ ये चीज़ बहुत गलत होगी बिकॉज मैंने कभी किसी के साथ ऐसा किया नहीं है, तो मेरे साथ ऐसा होना नहीं चाहिए, सो आप में से कुछ लोग जस्टिस भी चाहते हैं अपने साथ कि जो भी हो मेरे साथ न्याय होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, बिकॉज ये पर्सन के
तरफ से ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं, ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है कि कभी कभी तो आपको ऐसे थॉट्स आते हैं कि कहीं मेरे साथ टाइम पास तो नहीं कर रहा है या कर रही है, लाइक ये सच में सीरियस है भी कि नहीं है। देखो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि आपको पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन भी चाहते हैं और कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, बट इनकी प्रायोरिटीज़ और चीज़ें भी हैं, ठीक है। ये रिलेशनशिप मैं ये कहूँगी कि आपके लिए ये प्रायोरिटी पर हो सकते हैं, सबसे पहले आप इनको ही देखोगे, बाकी सारी चीज़ों को आप बाद में रख दोगे, तो ये है। बट उनकी तरफ से मुझे दिखाई देता है कि उनकी उनकी प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी कुछ और होगी, शायद उनका करियर, सेकंड पे कुछ और, शायद उनकी फैमिली, फिर ये खुद को रखेंगे, फिर कहीं जाके इस रिलेशनशिप को, और बस इतना सा फ़र्क है आप दोनों के बीच में कि आपकी प्रायोरिटी ये है और इनकी प्रायोरिटी आप शायद तीसरे या चौथे नंबर पर हो, बाकी पहले इनकी और चीज़ें प्रायोरिटी पर हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें हो जाती हैं। सो ये प्रायोरिटी का खेल है यहाँ पर कि हाँ ये पसंद करते हैं, बट कहीं ना कहीं प्रायोरिटी लिस्ट में कुछ और चीज़ें हैं इनकी जो टॉप पे हैं, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि थोड़े से प्रैक्टिकल भी हैं, ईगोस्टिक हैं, थोड़ा अपने मतलब में ज़्यादा समझते हैं, ये मुझे दिखाई देता है, मतलब में सोचते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें लाइक इनका करियर इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मनी इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कमाना, बहुत सारा पैसा कमाना शायद इनका माइंडसेट हो सकता है, या फिर अपने आप को एक हाई पोजीशन पर पहुंचाना, ये इनका एक जो है एक गोल हो सकता है। सो इनकी वही मैं कह रही हूँ कि इनके दिमाग में और चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि ये इस रिलेशनशिप को नहीं चाहते या आपको नहीं चाहते, आपको चाहते हैं, लेकिन ये ना रिलेशनशिप को अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देना चाहते कि उसके चक्कर में कुछ और ना कर पाए, ठीक है, ऐसा कुछ। सो यहाँ पर मैं आपको साइन बता देती हूँ, तो यहाँ पर जो साइन मुझे दिखाई देते वो है यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, लिब्रा तुला राशि, एरीज मेष राशि, ठीक है। ये साइन दिखाई देते, डेट ऑफ बर्थ अगर मैं देखूँ तो थर्ड मुझे किसी भी महीने की 3 तारीख 3, 4, 1, 8, 9, 2 और 11 मुझे दिखाई देते हैं। अगर बर्थ मंथ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है मार्च, अप्रैल, जनवरी, अगस्त, सितंबर, फरवरी और नवंबर, ठीक है। कॉम्बिनेशन डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो 4 अप्रैल मुझे दिखाई देता है, आपकी आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 4 अप्रैल, ठीक है, या फिर हो सकती है 13 अप्रैल, 22 अप्रैल, ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ आपकी आपके पर्सन की हो सकती है। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, और भी मैं कुछ एनर्जीज देखूँगी आपके पर्सन की। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। The High Priestess, Three of Pentacles, Queen of Cups, Knight of Pentacles. Six of Cups, Three of Wands. The Empress again, Four of Swords. Bottom of the deck is the Wheel of Fortune. मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देते, देखो बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को जानते हैं कि आपसे बेटर उनको नहीं मिल सकता,
क्योंकि आप हर तरीके से बेटर लगते हो उनको, उनको पता है आप हर सिचुएशन को, हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से संभाल लोगे, बहुत अच्छी तरीके से डील करोगे आप चीज़ों से, ठीक है। वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छे से रखोगे, आप लॉयल रहोगे एंड आप बहुत प्यार करोगे, इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है। हो सकता है आप बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हो, या फिर मैं कहूँ कि बचपन से आप एक दूसरे को जानते हो, ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पर। बट हाँ, आप दोनों का सोल कनेक्शन है, ये मुझे दिखाई देता है। कुछ लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी मुझे दिखाई देता है, ठीक है। सो यहाँ पर ना मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते भी है इस कनेक्शन के बारे में। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपनी फैमिली से आपके बारे में बात करने के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये चीज़ आपको बताई नहीं है कि ऐसा इनके दिमाग में कुछ चल रहा है कि अपनी फैमिली के सामने आपका जिक्र करेंगे। बट आई थिंक कि आपको बिना बताए अपनी फैमिली के सामने आपका जिक्र कर सकते हैं, आपको लाइक अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। बिकॉज़ इनको तो क्लियर है कि इनको आपके साथ रहना है, लेकिन ये फैमिली की भी उसमें खुशी देखना चाहते हैं। अगर इनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो इस कनेक्शन में आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन ये सबसे पहले अपनी फैमिली से डिस्कस करेंगे ना, उसी अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक्शन लेंगे। अभी जो है ये स्टक है बिकॉज़ ये फैमिली से एक बार डिस्कशन करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो ये कमिटमेंट आपको ऑफर की जाएगी, लेकिन ये सॉलिड कुछ ऑफर करेंगे आपको, कमिटमेंट ये देंगे आपको इस रिलेशनशिप में। लेकिन अगर ये अटके हुए हैं तो सिर्फ अभी फैमिली की वजह से, क्योंकि अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा अभी इस वक्त में सोच रहे हैं, ठीक है। ये जो है चाहते हैं कि एक बार मुझे यहाँ से क्लियरिटी मिल जाए, मुझे समझ में आ जाए कि मुझे कैसे एक्शंस लेने हैं, क्या एक्शंस लेने हैं, देन उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने एक्शंस लूँगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सोच रहे हैं कि मैं फैमिली के बारे में बताऊँ। सो इन फ्यूचर कुछ ऐसा हो सकता है, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आपको कमिटमेंट मिल सकती है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आपके पर्सन एक सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे कब वो सही वक्त मिलेगा जब मैं अपनी फैमिली से इस बारे में डिस्कस करूँगा, और इस डिस्कशन के बाद में मैं जो है उसी हिसाब से अपने एक्शंस लूँगा। सो मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि ओके वेट मुझे ऐसा लगता है कि इस अगस्त में ना आपको इस रिलेशनशिप के फ्यूचर से रिलेटेड क्लियरिटी मिल जाएगी कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होना है, ठीक है। बातचीत आपकी हो जाएगी उससे पहले, ये मुझे नहीं दिखाई देता कि बातचीत नहीं होगी। बातचीत नहीं हो रही है तो उससे पहले आपको आपकी बातचीत हो जाएगी, और अगर हो रही है ऑलरेडी तो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इस साल के अगस्त तक आपको इस रिश्ते में कोई फ्यूचर है या नहीं है उसकी क्लियरिटी मिल जाएगी। बट देखो, कुछ लोगों के लिए मुझे अगस्त दिखाई देता है, बट कुछ लोगों के लिए मुझे दिसंबर भी दिखाई देता है इस साल के एंड में, ठीक है। बट मैं अगस्त लेकर के चल रही हूँ क्योंकि वो बहुत पास की एनर्जी है, एंड उसके अलावा मैं आपको बता दूँ तो दिसंबर है। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये जो साल है ना 2024, ये क्लियर कर देगा कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होना है, ठीक है। इस साल में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेट्स सी कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स को मैसेज दीजिए, हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, दो कार्ड्स आ गए, मैं एक और कार्ड लूँगी यहाँ पर। ओके, You are good enough. The answer you need are coming. Prosperity lies ahead. गाइस, मुझे ऐसा दिखाई देता है आप ऐसे कुछ लोगों के ना करियर से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, ठीक है। करियर में ग्रोथ मुझे दिखाई देती है, या कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखाई दे रही है। कुछ आपके करियर में ना अच्छा होने वाला है ऐसा मुझे दिखाई देता है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके कुछ मन में क्वेश्चंस चल रहे हैं, उनके आंसर्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, ये मैसेज है। थर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग अपने कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा, मतलब उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ है, वो इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं खुद को लेकर के। तो यहाँ पर ना जैसे यूनिवर्स ये मैसेज देना चाहते हैं कि
आप अपने कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए, मतलब अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, ठीक है। जब आप अपने अपने बारे में अच्छा सोचने लगोगे, जब आप अपने बारे में बेस्ट सोचने लगोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। देखो आप यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है इस वजह से कि आप जो है कंपैरिजन में चले जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता कि आप कंपेयर कर रहे हो, बट आप करने लगते हो दूसरों से खुद को कंपेयर, और कहीं ना कहीं खुद को ना दूसरों से कम आंकने लगते हो, आप खुद में कमियाँ ढूंढने लगते हो, आप खुद को मेरे में ये अच्छा नहीं है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, ये करने लगते हो। तो यूनिवर्स कह रहे कि इसके बजाय अगर आप ये कहने लग जाओ कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम इंटेलिजेंट एंड आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम लक्की, सो ये चीज़ें आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगेगा। तो भाई यहाँ पर ना आपको अच्छी अफर्मेशंस का यूज़ करना चाहिए अपने लिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ करना चाहिए अपने लिए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में हेल्प करेंगे ग्रो करने में, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की, सेल्फ एनर्जी में जाने की, खुद के लिए अच्छा सोचने की और खुद के लिए कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने लिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और पॉजिटिव और पावरफुल अफर्मेशंस के साथ आप वर्क करो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।